तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एआर सिस्टम में। तो आया है बंदा सिंह चौधरी नाम से एक ट्रेलर, तो चलिए इसको देखते हैं और बताते कैसा है। ये जी म्यूजिक की तरफ से डाला गया है, तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं, बताते कैसा है ट्रेलर। तो बिना देरी करते हुए चलिए इसको देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसके स्टार कास्ट को देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि ये कॉमेडी सीरियस मूवी होने वाली है, हमें इसमें कॉमेडी भरपूर मिलेगी तो मजा आएगा। स्टार्ट। मैं चाहता हूँ लल्ली अपनी मोपेड छोड़ दे और मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के बाहों में बाहें डाल के बोले, बंदा मुझे लुधियाना घुमा ले। तो तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूं? बढ़िया, मरा जा रहा है ना शादी करने के लिए। तू भी थोड़ा सा मर जा। अरशद वारसी है गाइस इसमें। मेहमान आए थे? उग्रवादी आए थे। क्या कह रहे थे? ओके। एक बात याद रखना, किसी ने भी बंदा सिंह चौधरी से बात की और उसे मदद करने की कोशिश की तो भाई मैं उसे मार दूंगा। मैं उसको बार बार यही साथ दिलाता हूँ कि वो सिख नहीं है, लानत है मुझ पे। काफी ज्यादा सीरियस है ये, हमें लग रहा था इसमें कॉमेडी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं भाई। जी ने फरमाया है जब सभी बहुत सीरियस मूवी है ये भाई, के खिलाफ तलवार उठाना जायज है। ओहो वाह यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर 25 अक्टूबर को ये रिलीज हो रही है गाइस, बचेगा तो देश बचेगा। बहुत बढ़िया ट्रेलर है गाइस। जी ये देश मेरा है गाइस। क्या एक्टिंग करी है हर्षद वारसी ने गाइस, मजा आ गया इस ट्रेलर को देखकर। स्टार्टिंग में मुझे वही लग रहा था कि कॉमेडी बेस्ड मूवी होने वाली, क्योंकि हर्षद वारसी इतने बड़े कॉमेडियन कैरेक्टर जो वो प्ले करते हैं तो हमें गाइस पता ही है। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो काफी ज्यादा इंटेंस फाइट इसमें होने वाली है, काफी ज्यादा इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली वैसा तो एक्शन नहीं देखने को मिलेगा जैसा हमें बॉलीवुड में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी गाइस काफी बढ़िया एक्शंस इसमें देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादातर जो फाइटिंग है वो गोली बंदूक इन सब से ही चल रही है गाइस, मजा आ रहा है देखने में। बहुत बढ़िया ट्रेलर है, हर्षद वारसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है और बढ़िया है गाइस, बढ़िया है। पिंड मेरा है, घर मेरा है, मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। बहुत बढ़िया ट्रेलर है गाइस, मजा आ गया ट्रेलर को देखकर। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया चल रहा है, गाना जो इनने चूज करा है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ गाना, हाँ गाइस तो पता चल गया, इन्ना सोना क्यों तेनु रब ने बनाया जो सॉन्ग था गाइस, उसका ही रिमिक्स बनाया है। अच्छा लग रहा है रिमिक्स सुनने में और वो फील भी आ रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे ट्रेलर, बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है, खासकर जो इन्ना सोना गाना इसमें डाला गया है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, रिमिक्स भी अच्छा लग रहा है, साथ में जो एक्शन आ रहा है बीच में इंटेंस सिचुएशन दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये मेन जो मूवी है ये पंजाब में ही टेक प्लेस करती है, पंजाब की ही फुल ये मूवी बनाई गई है, पंजाब का ही एंगल इसमें लिया गया है और शायद कोई हिस्टोरिकल स्टोरी से इसको कनेक्ट भी करा गया है गाइस। तो बहुत बढ़िया ट्रेलर, ऑल ओवर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में कोई भी चीज की कमी तो हमें इतनी नजर नहीं आई है। हाँ कैरेक्टर्स हमें इसमें बहुत कम दिखाए गए हैं, जो मतलब मेन लीड कैरेक्टर्स बहुत कम दिखाए गए हैं, लेकिन जो भी दिखाए गए कैरेक्टर्स वो बहुत बढ़िया हैं, कास्टिंग बहुत बढ़िया है, एक एक कास्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है नो डाउट, और ट्रेलर बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा ट्रेलर देखकर, ट्रेलर काफी ज्यादा मुझे मजेदार लगा और काफी ज्यादा जो है हमारी अटेंशन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ट्रेलर बहुत बढ़िया है। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप 25 को जाइएगा और इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ तो बात है,
ट्रेलर देखकर ही पता चल रहा है कि कुछ बढ़िया बात है इस मूवी में। तो जरूर जाइएगा आप इस मूवी को देखने के लिए। मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो मैं कानपुर का कनपुरिया मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय।